Morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. So today I will teach you maths subject topic building with bricks. Page number 1 to 12. This is your maths book, Math Magic new book NCERT. Okay, this is your maths book and today we will study चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स. आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे बिल्डिंग विद ब्रिक्स. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें. ईंटों से डिफरेंट ये डायग्राम्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है. वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. कैसी होती है ईंट? कुछ इस तरीके की. ये इसका खड़ी वाली पोजीशन है इसकी, ठीक है. अगर हम ईंट को खड़ा रखेंगे उसका वन फेस दिखाई देगा हमें इस तरीके से, और इस तरीके से उसे अगर हम लिटा देंगे तो कुछ इस तरीके से. ये इस हमने इसमें सिर्फ वन फेस शो किया है. अगर हम इसके थ्री फेसेस शो करें ईंट के, ठीक है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, ठीक है, लंबी, ओके, और इस तरीके के इसके थ्री फेसेस शो होते हैं, वन फेस, सेकेंड फेस, थर्ड, ठीक है. इसकी दूसरी पोजीशन खड़ा करने पर कैसी पोजीशन हो गई? वन टू थ्री, थ्री फेसेस शो हो रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ईंटों से कितने कितने बिल्डिंग्स, किस तरीके की बिल्डिंग्स बनेंगी, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. ये एक स्कूल है और इस तरीके से ये सारे पैटर्न्स हैं, वो सारी चीजें हम इसमें रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल. जागृति के स्कूल के लिए एक ब्रिक पैटर्न्स. ये जागृति का स्कूल है, इसका ब्रिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाया है. फर्स्ट, दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. ये एक स्टोरी है जागृति के स्कूल की जो मुर्शिदाबाद में है, वेस्ट बंगाल में. वेन इट्स बिल्डिंग वॉज बींग मेड, जब इसकी बिल्डिंग बन रही थी, तैयार बन रही थी, तो देयर वॉज अ प्लान टू मेक अ ब्रिक पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स. तो उसके लिए एक प्लान निकाला इन लोगों ने कि उसकी जो फ्लोर्स हैं और उसकी वॉल्स हैं, उसकी जमीन के लिए और उसकी दीवारों के लिए हम एक ब्रिक पैटर्न्स यूज करेंगे. जमाल, कालू एंड पीआर वर द मेसन्स. उन सारी ब्रिक पैटर्न्स को बिल्ड करने के लिए, उनको बनाने के लिए जमाल, कालू और पियार तीन मजदूर थे. फॉर दिस ब्रिक पैटर्न, इस ब्रिक पैटर्न को बनाने के लिए तीन मजदूर थे. दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग. वो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए नए नए आइडियाज चाहते थे. सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान. तो उसके लिए, उस आइडियाज के लिए, उन डिफरेंट आइडियाज के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गए? मुर्शिद कुली खान के टॉम गए, ठीक है, उसको देखने के लिए कि वहां और हमें डिफरेंट आइडियाज ताकि हमें मिले. फर्स्ट, दिस बिल्डिंग हैज अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटिफुल ब्रिक पैटर्न्स. और इस बिल्डिंग में इस बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स थे विथ अबाउट 2000 ब्यूटिफुल ब्रिक पैटर्न्स, जिसमें 2000 के आसपास बहुत ही सुंदर ब्रिक पैटर्न्स थे. दीज वर मेड बाय मेसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो. और ये 300 साल पुराने मजदूरों द्वारा बनाए गए थे. Look how the bricks arranged in these five floor patterns. अब इसमें देखिए कि इन five patterns में first, second one and third, fourth, fifth, इनमें इन bricks को किस तरीके से arrange किया हुआ है, आप उसे देखिए. So now next page number 2. Which floor patterns do you like the most? अब आप सभी को इनमें से first, second, fourth, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन फाइव में से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो आपको जो भी अच्छा लगा है वो आप लिख सकते हो. मुझे लाइक फर्स्ट अच्छा लगा तो मैंने फर्स्ट लिख दिया. हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? क्या आपने इस तरीके के पैटर्न्स कहीं देखे हैं? तो यस, आई कैन सी सच पैटर्न्स
इन माई स्कूल, इन माई होम, जहाँ आपने देखे हैं उसको आंसर में लिखोगे. द मैसेंस केम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड. अब जो मैसेंस थे, मजदूर थे, वो एक्साइटेड होकर वापस आए और जमाल कहने लगा, आह इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स, वी हैड फॉरगेटन दिस. हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स हमें मिले हैं, सो सब कुछ भूल जाइए. लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑन दिस स्कूल. तो हम इस स्कूल के लिए, उसके फ्लोर के लिए, फ्लोरिंग के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रिक पैटर्न डिजाइंस बनाएंगे. ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स, और हर एक मैसन ने हर डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स बनाए. द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. उस स्कूल को बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ कि वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग उन्होंने बनाई. चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट, वहाँ जो बच्चे थे वो खेलते थे, गाते थे उस पर, एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्व्स, और अपने अच्छा से वो उसमें पैटर्न्स बनाते थे खुद की इच्छा से. देखिए यहाँ पर इसके फ्लोरिंग में कितने सारे पैटर्न्स उसने बना रखे हैं, तो वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं. ए में देखिए ये क्रॉस है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से पैटर्न उसने बना रखे हैं. सेकंड वन ठीक है, इस तरीके सा इस तरीके का पैटर्न उसने बनाया है. सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कुछ पैटर्न्स उसने बना रखे हैं. सो नाउ Which pattern is made in a circle? हमें अब क्वेश्चन आ गया कि इनमें से किस पैटर्न में हमें सर्किल की शेप नजर आ रही है. तो देखिए ए में सर्किल की शेप नजर आ रही है, नो इसमें क्रॉस, कुछ क्रॉस तरीके की वो है पैटर्न है, तो ना बी में है ना सी में है, तो फाइंड करिए कहाँ है, जे में. जे में देखिए कुछ इस तरीके की सर्कल सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे. सो Which pattern is made in a circle? J. Okay, then answer will be J. In which pattern can you show mirror halves? Draw a line. एक line draw करने के बाद किस pattern में आपको वो mirror halves की तरह नजर आ रही है? देखिए अब किस pattern में वो आपको mirror half दिखाई दे रहा है? तो देखिए जो ये B है उसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका फेस इसका मिरर हाफ होगा. देन आंसर विल बी बी. एंड दिस वन एच, अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका मिरर हाफ हुआ. देन एच एंड नाउ आई, आई में हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की लाइन, ये उसका मिरर हाफ हुआ. देन आंसर विल बी बी एच एंड आई. सो बी एच आई एंड जे, जे सर्किल है, सो लाइन ऑफ सिमेट्री. सर्किल में कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो वो एक दूसरे की मिरर हाफ्स होती है. सो जे ये भी एक सर्किल की फॉर्म में है, बट दिस लाइन अगर हम यहां से मिरर इमेज के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसका मिरर इमेज में नहीं आती. सो दिस इज नॉट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स. अब आप अपनी बुक से कुछ अपनी मर्जी से कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे. नाउ ओपन पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर फोर. हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक, एक ब्रिक को हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है, दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक. ये दो फोटोज हैं ब्रिक की, इसमें इसके तीन फेसेस शो किए हैं, फर्स्ट वन, सेकंड एंड द थर्ड वन. इसमें सिर्फ इसका एक फेस शो किया है, दिस वन. इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, इन अदर वी कैन सी थ्री फेसेस. सर्किल द फोटोज शोइंग थ्री फेसेस, तो इसमें वन टू थ्री ठीक है, और इसमें ओनली वन. हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव, उसके टोटल फेसेस कितने फेसेस होते हैं टोटल? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फेसेस होते हैं टोटल. ठीक है, इज एनी फेस अ स्क्वायर, स्क्वायर फेस में नहीं,
कोई नहीं होता, ठीक है. नो इज देयर नो फेस ऑफ स्क्वायर. ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक. ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस, ठीक है, जो सबसे छोटा फेस होता है वो हमें ड्रॉ करना है. विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक मार्क, ठीक है, जो भी इनमें से ब्रिक को शो कर रहा है उसे हम मार्क करेंगे. तो ये जो पैटर्न है ये ब्रिक का पैटर्न नहीं हो सकता, ठीक है, और इस तरीके की ब्रिक नहीं होती. ये रेक्टेंगल पोजीशन है तो ये ब्रिक हो सकती है, स्क्वायर नहीं हो सकती, आर्क शेप में नहीं हो सकती, ट्रायंगल नहीं हो सकती, ठीक है, हेक्सागोन में भी नहीं हो सकता. ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है तो ये हो सकता है, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क करिए इनमें से कौन सी ब्रिक की तरीके से नजर आ रही है आपको. इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री फेसेस में है तो ये हो सकती है ब्रिक, ये नहीं हो सकते, और ये भी ब्रिक हो सकती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मेक अ ड्रॉइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेस. इस बॉक्स की आपको ड्रॉइंग बनानी है जिसमें इसके थ्री फेसेस शो होंगे, कुछ इस तरीके से इसके फेसेस शो होने चाहिए, वन टू थ्री, थ्री फेसेस, ठीक है. कैन यू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज फोर ऑफ इट्स फेसेस. क्या आप ऐसी ड्रॉइंग बना सकते हैं जिसमें ईंट के फोर फेसेस शो हो? तो नहीं, हम ऐसी कोई ड्रॉइंग नहीं बना सकते जिसमें फोर फेसेस शो हो. नाउ ओपन, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर फाइव, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल. अब हम एक ऐसी दीवार बनाने की बात कर रहे हैं जो जल्दी से गिरे नहीं, जो ज्यादा स्टेबल हो. वन डे मुनिया एंड जिनाब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स. एक दिन मुनिया और जिनाब ब्रिक्स के साथ खेल रहे थे एंड मेकिंग देयर वॉल्स, और उन्होंने क्या बनाई, दीवार बनाई. ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल, और दोनों ने ही अलग अलग दीवार बनाई. जिनाब ने किस तरीके की दीवार बनाई, कुछ इस तरीके की, यानी कि थ्री ब्रिक्स पे उसने टू ब्रिक्स रखी और उस पर वन रखी, ठीक है. और इसने मुनिया ने कुछ इस तरीके की, एक के ऊपर एक ब्रिक्स रखी. अगर आप देखिए, अगर इस एक ब्रिक को आप धक्का दोगे तो ये सारी की पूरी सारी एक साथ गिर जाएगी, लेकिन इसमें अगर आप इस ब्रिक को हटाओगे, इस ब्रिक को गिराओगे, तो कौन सी ब्रिक गिरेगी, सिर्फ ये ऊपर वाली, क्योंकि ये दो एक साथ रखी हुई हैं, ठीक है. तो ज्यादा जिनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली. जिनाब ने क्या कहा कि उसकी जो दीवार है वो जल्दी से गिर नहीं सकती है. मैसेज टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन. जो मजदूर होते हैं वो भी दीवारों को इस तरीके से नहीं बनाते जिस तरीके से मुनिया ने दीवार बनाई है, कि एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स को रखते हैं. इस तरीके से दीवार को मजदूर नहीं बनाते हैं. वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, विच फॉल विल बी स्ट्रोंगर, कि इन दोनों में से ही कौन सी वॉल ज्यादा स्ट्रोंगर होगी? जिनाब वाली, क्योंकि उसमें दो ईंटों के ऊपर एक बीच में ईंट रखी हुई है जिससे वो दोनों ही दबी हुई हैं, तो वो जल्दी से नहीं गिरेगी, ठीक है. डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वॉल पैटर्न्स पढ़ेंगे. कुछ इस तरीके का वॉल पैटर्न, ये कुछ इस तरीके का है और ये कुछ इस तरीके है. नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्रॉइंग बिलो. अब हमें ये पैटर्न जो है वो किस तरीके का शो हो रहा है, कुछ इस तरीके का, तो हमें इससे इसे मैच करना है. ये जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, और ये जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का, इस तरीके से हमें इसे मैच करना है. नाउ ओपन पेज नंबर सिक्स, लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जाली, ब्रिक्स से जाली बनाना हम यहाँ देखेंगे. द मैसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल्स. अब जिन मजदूरों ने, जिन्होंने जागृति का स्कूल बनाया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स की जालियां भी बनाई थी वॉल्स पर, ठीक है. आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये एक इस तरीके की जाली जिसमें इस फाइव होल्स दे रखे हैं, और ये कुछ इस तरीके की जिसमें आपको माउंटेन्स की फॉर्म में आपको जाली बना रखी है. कुछ इस तरीके की जालियां आपको नजर आ रही होंगी. हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज
फोटोज। अब आपको इसमें किस किस तरी कितनी कितनी जालियां नजर आ रही हैं, एक तो ये हो गई 1, 2, ये एक सिंगल सिंगल जाली है 3, ठीक है, तो 3 देयर आर 3 पैटर्न्स ऑफ जाली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ अनादर ब्यूटीफुल जाली। अब ये एक दूसरी ब्यूटीफुल जाली का एक पैटर्न आपको शो कर रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ब्रिक्स से किस तरीके से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन्स हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम पैटर्न्स बना सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट पैटर्न्स लाइक दिस। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।